नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके कृषि यंत्र न्यूज चैनल में। कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूँ सारे किसान भाई ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको कृषि यंत्र सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो जो किसान भाई चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान भाइयों बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल पे जो है कृषि यंत्र सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं, और किसान भाइयों हमारे चैनल पे 3-4 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया है, तो उसके लिए जो है हमारी जो है तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी। तो किसान भाइयों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो किसान भाइयों, ना ही कुछ हम अपडेट दे पाए, तो अब अपडेट भी थोड़े लेट हो चुके हैं। तो हम जल्द से जल्द अपडेट आपको बताएंगे क्या क्या जो है यूपी एग्रीकल्चर पे अपडेट आए हैं, और जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उस योजना के बारे में, कब तक वो योजना आने वाली है वो भी बताएंगे, और किसान भाइयों उसका जो है लक्ष्य आ चुका है वो भी आज इस वीडियो में बताएंगे, और उसकी कार्य योजना आ चुकी है वो भी आपको आज दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले ऑल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है, जो है आज टोकिंग 12 तारीख है, और आज टोकिंग की लास्ट डेट थी, जो गए टोकिंग बुकिंग हो चुके हैं टोटल। अब किसान भाइयों बात आती है, अब नए जो कस्टम हायरिंग के टोकिन है वो कब बुकिंग होंगे, और एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई है कि कल जो है फार्म मशीनरी के जो है टोकिन निकलने वाले हैं 13 तारीख को, तो उसके ऊपर भी आज आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, क्या है वो न्यूज़पेपर, क्या वो रियल है, या कितने दिनों में उसके टोकिन निकलने वाले हैं वो भी हम बताएंगे। तो किसान भाइयों चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और बताते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं जो हमारे पास कार्य योजना आई हुई है तमाम की। तो किसान भाइयों हम आपको अपनी वीडियो में दिखा देते हैं, ये हमारे पास योजना आई हुई है 24/11/2022 को, ये योजना जो है वहां से पास हुई है। अब आप इसमें किसान भाइयों पढ़ सकते हैं, और किसान भाइयों ये योजना हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे या नहीं देंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। अभी आप जाके सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट ना करें कि ये हमको पीडीएफ दे दो। तो किसान भाइयों यहाँ पर आप कार्य योजना देख सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। अब हम आपको इसमें बताए थे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य भी दिखाएंगे। किसान भाइयों वीडियो को छोड़ के मत जाइए, कभी भी किसी भी जिले का हम लक्ष्य बता सकते हैं, और ना ही वीडियो को स्किप कीजिएगा, क्योंकि आपसे आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपसे लक्ष्य भी आपके जिले का मिस हो सकता है, कस्टम हायरिंग का भी लास्ट में हम लक्ष्य इसमें बताएंगे। किसान भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हमारे पास कस्टम हायरिंग वाली पीडीएफ है। देखो इसमें कस्टम हायरिंग में कौन कौन अनुदान ले सकते हैं किसान भाइयों, पहले भी आया हुआ था पीडीएफ, यहाँ पर हमने सब कुछ बता रखा है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो हमारी पुरानी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एक बार हम बता देते हैं, जो हमारे जो कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना है उस पर हमारे जो है आपके अनुदान जो ले सकते हैं उस पर 40% आपको अनुदान मिलता है, मतलब 10 लाख की योजना पर आपको 4 लाख अनुदान मिलता है। अब किसान भाइयों बात आती है इसमें कौन कौन अनुदान ले सकते हैं, तो इसमें ले सकते हैं एफपीओ और सहकारी समिति, पंचायत, कृषक, ठीक है किसान भाइयों, इसमें जो है ये अनुदान ले सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। अब आती है बात आपकी, जो इसमें आपका इसमें लाभ जो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 4-10 लाख पे 4 लाख आता है। अब आती है आपकी जो है ये आपकी कस्टम हायरिंग जो है इस पे आपको किस तरह से कुछ रूल फॉलो करने हैं, वो हमने पहले वीडियो में बता रखे हैं, वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अब बात आती है जो कस्टम हायरिंग फार जो आती है हाईटेक हब वाली जो योजना आती है उसके जो है हाईटेक हब वाली योजना में क्या क्या है। तो किसान भाई हमने जैसे पहले बताया था, इसमें भी ग्रामीण उद्यमी और जो है ये वाली जो लाभ ले सकते हैं, ग्रामीण उद्यमी और समिति वाले जो है इसमें लाभ ले सकते हैं, लेकिन समिति वालों में जो है किसानों को बहुत कम कन्फ्यूजन रहता है, तो समिति में जो एफपीओ या लिमिटेड समितियाँ हैं जैसे कि पंचायत वगैरह वही जो है इसका लाभ ले सकती हैं, शायद इसमें जो है पंचायतें जो है लाभ नहीं ले सकती, ठीक है किसान भाई, इसमें पंचायत जो है लाभ नहीं ले सकते। अब किसान भाइयों बात आती है इसमें जो है हाईटेक हब एफपीओ लाभार्थी हो, हाईटेक हब कस्टम हायरिंग स्थापना की बुकिंग लक्ष्य 50% तक सहकारी समिति एवं एफपीओ को नंबर, इसमें 50% इनको दिया जाएगा, बाकी आप ग्रामीण उद्यमी कर सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। अब इसमें 100 लाख पे 40 लाख आपका अनुदान रहता है। अब किसान भाइयों बात आती है इसका लक्ष्य भी दिखाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि आपने एक भी जानकारी स्किप कर दी बाकी आप फिर भूल सकते हैं, फिर उसकी जानकारी हम कमेंट में बिल्कुल भी नहीं बताने वाले, ठीक है किसान भाइयों। अब इसमें आप पूरी जानकारी इसकी पढ़ सकते हैं, इसमें हमने सब कुछ बता रखा है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं किसान भाइयों। यहाँ पर कौन से यंत्र का कितना अनुदान है, जो टोकन निकले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। यहाँ पर जो है यंत्रों का लक्ष्य है, तो अब जो है यंत्रों का लक्ष्य जो है दुगना दिया गया है, ठीक है किसान भाइयों। यहाँ पर
आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ मेनली देखना है कस्टम हायरिंग का लक्ष्य, ठीक है किसान भाई। तो हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें कस्टम हायरिंग का लक्ष्य देखना है, ठीक है किसान भाई। लेकिन अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे। बात कर लेते हैं किसान भाई कस्टम हायरिंग के लक्ष्य की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्रकूट, यहाँ पर जो है चित्रकूट धाम में, यहाँ पर सारे जिलों के लक्ष्य देख सकते हैं किसान भाइयों। अभी हम आपको एक ग्रुप पर पीडीएफ देंगे या नहीं देंगे वो हम वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे। कहीं आप ग्रुप पर जाके कमेंट करो कि हमें वो पीडीएफ दे दो, तो हम ऐसे नहीं देने वाले हैं। हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमें आपको पीडीएफ देनी है या फिर नहीं देनी है, हम वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है किसान भाइयों। आप देख सकते हैं अपने यहाँ का लक्ष्य, वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं कितना किस जिले में लक्ष्य है, ठीक है किसान भाई। हम मेनली अपने अपने जो जिस जिलों से हमारा संपर्क है हम उनके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा बस्ती में आप देख ले हो 18 का लक्ष्य है, ठीक है किसान भाइयों। यहाँ पर आजमगढ़ में आपका 24 का है, लखनऊ में 19 का है, अयोध्या में आपका 21 का है, और हमारा जो हम और में बता दें जैसे कि आप देख सकते हैं मुरादाबाद में 11 का है। यहाँ पर सारा जो है टोटल आप लक्ष्य अपना नाम देख के कानपुर नगर और कानपुर देहात में अपना 15 का है, ठीक है किसान भाइयों। कानपुर से जो है हमसे भाई जुड़े हुए हैं वो देख ले भाई, उनका 15 का लक्ष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और भी लक्ष्य आए हुए हैं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसका जो है फाइटेक हब का भी जो है लक्ष्य आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना जिला यहाँ से देख के किस किस में आया हुआ है, ठीक है किसान भाई। हर जिले में नहीं आती है हाईटेक, अब किसी किसी जिले में आती है, तो यहाँ पर अपना नाम जिले में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये योजनाएं कब आने वाली है, ठीक है किसान भाई। रूटर वेटर का भी लक्ष्य ऊपर वाली पीडीएफ में है, यहाँ पर इन वाली जो छोटे छोटे यंत्र है इन वाली पीडीएफ में आप रूटर वेटर का लक्ष्य देख सकते हैं। अब बात आती है ये सब्सिडी कब आएंगी, कब तक जो है इनकी योजनाएं आने वाली है। तो किसान भाइयों जो डेट निकल के आ रही है वो एक 28 या फिर आप लगा लो कि 25 तारीख से ये योजनाएं आ सकती हैं, ठीक है किसान भाइयों। आपको अपडेट रहना है, 28 तारीख को भी ये योजना आ सकती है, ठीक है किसान भाइयों। आपको डेट भी रिवील हमारे चैनल पर करा दी जाएगी, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं जो हमारी फार्म मशीनरी बैंक की योजना है, कल उसकी बुकिंग होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। तो किसान भाइयों जो सोनभद्र के पेपर में जो न्यूज कटिंग निकली थी आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप पे से ले सकते हैं। अब किसान भाई बात कर लेते हैं पहले कि ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, हम आपको ग्रुप पर सेंड कर देंगे, ठीक है किसान भाइयों। ये ग्रुप पर आपको आसानी से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं जो हमारा फार्म मशीनरी बैंक है उसकी 13 तारीख को बुकिंग होगी या फिर नहीं होगी या फिर उसमें समितियों पे बुकिंग होगी। तो किसान भाइयों अभी उसके ऊपर ऐसा कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं आया कि उस पर समिति पे बुकिंग हो या फिर ना हो। और किसान भाइयों बात करें कि किन किन जिलों में होने वाली, तो किसान भाइयों ये जो है 8 जिलों में होने वाली है, 8 डिस्ट्रिक्ट में, 8 डिस्ट्रिक्ट में ही होने वाली है। अब किसान भाइयों किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है ये नहीं पता, तो किसान भाइयों सबको अपडेट रहना है, आपको बिल्कुल अपडेट रहना है कल 12 बजे से, ठीक है किसान भाइयों। किसी भी जिले का लक्ष्य बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा बताना, और कमेंट सेक्शन में जो भी हमने इस वीडियो में कवर ना करा हो वो पूछ लेना, लेकिन जो हमने वीडियो में कवर करा है तो वो कमेंट सेक्शन में हम उसका रिप्लाई नहीं देने वाले हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा।